गाइज क्या आप जानते हो राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 में विधानसभा की सर्वाधिक लंबी बैठक कहाँ हुई? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, सर्वाधिक लंबी बैठक केरल में हुई और यह 61 दिन तक चली। सर्वाधिक अध्यादेश कहाँ पर पास हुए? ये भी केरल के अंदर ही पास हुए। तो गाइज सबसे अधिक किस मुद्दे पर बात हुई, यानी सबसे अधिक विधेयक किस पर आए? शिक्षा पर सबसे अधिक विधेयक आए, 21% विधेयक शिक्षा से संबंधित है। तो गाइज क्या ये फैक्ट आप पहले भी जानते थे? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइज क्या विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित मंडल में कौन कौन शामिल होगा? संसद के इलेक्टेड MP और विधानसभा के इलेक्टेड MLA निर्वाचित मंडल में शामिल होगा। संसद के सभी मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और मैं अगर बात करूँ, राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में है, राज्यपाल का 213 में है। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था और वर्तमान में संवर्ती सूची का विषय है। गाइज के इफेक्ट आपको पहले पता था? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइज क्या आपने कभी सोचा है इनकम टैक्स की शुरुआत आखिर क्यों की गई थी? तो मैं आज आपको बताता हूँ इनकम टैक्स की शुरुआत क्यों की गई थी। एक समय की बात है जिससे अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति ने 24 जुलाई 1860 को इनकम टैक्स की शुरुआत कर दी गई जिससे अंग्रेजों की स्थिति में सुधार हो सके। और 24 जुलाई 1860 में जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को शुरू कर दिया, इसलिए 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और अगर मैं आयकर की बात करूं, आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी अगर मान लो आप पैसे कमाते हैं और आप पर जो टैक्स लगाया जाए तो आपको ही भरना पड़ेगा, उसको हम डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। दोस्तों क्या ये अमेजिंग फैक्ट आपको पहले भी पता था? अगर आपको अमेजिंग फैक्ट पहले ही पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।